जहां आज के दौर में पंजाब में धरती के नीचे पानी की कमी हो रही है, वहीं दुराहा के नजदीक गांव कटानी कला के नौजवानों ने एक निजी कंपनी के सहयोग से गांव के पुराने तालाब की कायाकल्प कर उसे वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट में बदल दिया, जिसे बारिश के पानी को फिल्टर कर धरती में डाला जा रहा है। वहीं नौजवान इस तरह के प्लांट हर गांव में लगाने की मांग कर रहे हैं, ताकि धरती के नीचे खत्म हो रहे पानी को बचाया जा सके। सर, रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम लग गया सीगा, जिदे नाल कि आपां एक यूरी यूवी ते टैरी कंपनी ने फंडिंग कीती सीगी, ते CSR थ्रू दे टाइम प्रोजेक्ट आया सीगा, ते यूवी कंपनी उह सीगी जिन्हें कि यह प्रोजेक्ट लिआंदा सी, ते टैरी कंपनी ने जिन्हें कि जो भी कंस्ट्रक्शन उह करवाई सीगी, ते इहदे नाल जो भी सीगा अपना रेन वाटर सीगा उह सारा इहदे विच अपना जो पौंड बणिआ उहदे विच आ रिहा, ते इहदे नाल जो भी अपना आले दुआले दा पाणी खड़दा सीगा उह सारा ही इहदे विच रीचार्जिंग हुंदा वा। सर, इहदे ते 2 करोड़ तो वध खर्चा आया इहदे ते, तो जो भी सारा खर्चा किया तो यह CSR थ्रू ही होया वा। असी एज ए क्लब मैंबर ये भूमिका निभाई है, क्योंकि जिमें ये पहला इतने बहुत 20-25 साल पुराना टोभा सीगा जिहदी कदे सफाई नहीं हुई सी, जो भी ये पहला गंद सीगा जां पानी सीगा वह जिन्ने भी साडी टीम मैंबर खड़ी है सारे ने असी इतने इंजन ला के पानी सारा असी बाहर खेतों के सुट्टिया, तो उस तो बाद जो ये प्रोपर खाली हो गया तो उस जो जी जो भी कंपनी सी उन्होंने आके फिर ये आके अपना काम स्टार्ट किया। सर, हुण इह प्रोजेक्ट लगे नीयर अबाउट महीना हो गया, तो ये 4 to 5 बरसात एन पूरी भी हैवी रेन हुई ने, जिदे कि ये हफ्ते के जो भी पानी पहला सड़क पर खड़ता से सारा ही जेडे फिल्टर लगे ने थले अपना रीचार्जिंग करी जाता। यह रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम लगे जी, जिदे थ्रू जो भी साडा बरसाती पानी है खेतों का ओवरफ्लो होकर राह खड़ता से खेतों में फसल खराब करता से वह पानी इतने आएगा जी। इतने तकरीबन 100 साल पुराना टोभा से जो सिर्फ खेतों के ओवरफ्लो पानी ही बनाया गया सीगा, वो हुण पानियां जो 2 कंपनियां जूवी ते टैरी उन्होंने रल के पिंड विच प्रोजेक्ट लिआंदा, उस प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया ये CSR के थ्रू, तो हुण जिन्ना भी पानी है जी वो सारा ये रीचार्ज हो रहा धरती विच। तकरीबन हुण तक 8 to 10 लाख लीटर पानी धरती दे विच ये खेतों के पिछले जिदा बजुर्गों ने पहला समय तो ही जो खेतों का ओवरफ्लो पानी सीगा उहदे लई ये साडी सुरत तो पहला ही खेतों का पानी उरे आउंदा सी ओवरफ्लो का, ठीक है जी। इहदे लई पानी आउण लई कोई सानू ज़्यादा तो करना नहीं पिया, कुछ पानी पहला ही उरे आ पाउंदा सी। उहदे लई प्रोपर फिल्टर बनाए गए ने जी मैनुअल तरीके नाल, कोला पाया गया, रेत पाई आ, बजरी पाई आ, तो चाक मिट्टी पाई आ, तो एक उन्हां दा कोई आपदा होर पाउडर सीगा जो कंपनियां ये पूरा एक तरीके नाल बनाया PPCV वलों पोल्यूशन कंट्रोल वलों इन्हां नूं होके होया जी, ये सारा कुछ चैकिंग घर का कुछ नहीं आता जी। पानी पहला भी सिर्फ बरसातों का ओवरफ्लो पानी जोड़ा थोड़ा बहुत हो जाता उरे तक पहुँचता से। चलो साडा पिंड सुभागा भी सब तो पहला उरे मौका मिले जी, सानू यूथ ने इकट्ठे होकर हंबला मारिया, पंचायत ने साथ दिता, कंपनियां ने फंडिंग करी, सरकारों को चाहिए भी 1 to 2 पिंड छड के चाहे 2 पिंडा का इकट्ठा ही कर देन, अज की लोड़ आ जी हर एक की, जिदा अपने पत्तण खत्म हो ही जाते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ा हर पिंड लगनिया चाहिए नहीं, पिंड कह लो भी कुदरत को फायदा हो रहा, पिंड तो जो होना ही है, जो पंजाब के इस टाइम हालात ने भी पानी है जो दिन पो दिन थले जा रहा वाटर लैवल, ठीक है, उन्होंने रीचार्ज करने जो बारिश का पानी है जै ही चले जाता से, जहाँ खेतों फसल खराब करता सगा, साडा रोड है रोड से आगे हड़ जाता सो सारा पानी ये धरती इकट्ठा होंगे, तो इस तो बाद अपने आप जाने कि 1-24 घंटे 2 लाख लीटर की कपैसिटी है जो धरती के इंजैक्ट हो जाता, तो वो पानी थले रीचार्ज होंगे जिन्हें वाटर लैवल का फायदा होएगा ही होएगा, जो फसलों को नुकसान होंगे वो भी कवर हो रहा है। हर पिंड होना चाहिए जी, सरकार को चाहिए, गवर्नमेंट को जां पिंड दी पंचायतों को यूथ को भी उठ के प्रोजेक्ट हर पंजाब के तकरीबन पंजाब के पिंडों तो अलावा जिते जाने की बहुत ज़्यादा खेत भी है ने भी आलदा नेड़े तेड़े कोई पिंड नहीं, अगर वो पिंडों का भी खेतों का पानी जो फसलों को नुकसान करता वो भी इस आ सकता बन स लग सकते प्रोजेक्ट। ये कॉन्सैप्ट UVL साढ़े पिंड तो ही ने जोड़े उत्थे वर्कर कम करते हैं, मुंडा काम करता उन्होंने जगजीत सिंह वो UVL इंपलाय एज आ इंपलाय ने UVL कंपनी वालों उन्होंने पहुँच की गई, उन्होंने पिंड के क्लब और पंचायत तक पहुँच की भी साड़ी कंपनी ने आ प्रोजेक्ट लाना वा भी उन्होंने लिए सू जगह प्रोवाइड करवाओ जहाँ जिमें, उस तो बाद सारे पंचायत और क्लब मैंबरस नगर निवासियों ने जाने कि पार्टी वाइज तो उपर उठ गए उन्हों का साथ दिता, तो उन्होंने सारी फंडिंग की, तो टैरी कंपनी वालों सारा मैनुफैक्चरिंग किया गया। इस टाइम अपने यही प्रोजेक्ट सेम नाले इतों 3 किलोमीटर दूर है पिंड कुबे हैगा, कुबे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये प्रोजेक्ट बहुत वधिया जी, तो यह साडा एक क्लब बनाया सरदार बहादुर सरदार करतार सिंह के नाते,
ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਸੇਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ।